नया महीना शुरू हुआ है और नक्षत्र में काफी बदलाव आए हैं। दो राशियों के साथ सबसे ज्यादा उथल पुथल हुई जिनकी आज मैं बात करने वाला हूं, एक है सिंह राशि और दूसरी है कन्या राशि। आज हम इन्हीं दो राशियों की बात करेंगे क्योंकि सबसे ज्यादा और सबसे बड़े बदलाव इन्हीं दो राशियों में से आए हैं। अगर आप किन में से एक राशि है, आपके परिवार के किसी सदस्य की यह राशि है, तो वीडियो को अंत तक देखिए और जानिए क्या क्या बदलाव आए हैं और क्या क्या चीजों का आपको रखना है ख्याल। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं सिंह राशि की। तो मैं आपको बता दूं, ये महीना आपके लिए फलदायी होगा और आज का दिन आपके लिए बड़ा ही शुभ है। आपके ऑफिस के नजरिए से देखा जाए, काम के नजरिए से देखा जाए, तो आपको थोड़ी आज उपलब्धि मिल सकती है काम में, यानी कि आपकी कुछ जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। साथ ही साथ थोड़ा सा संवेदनशील रहे और दूसरों की जरूरतों का भी ख्याल रखें। आज का दिन आपके लिए बेहद खास होने वाला है और यात्रा का भी बन रहा है थोड़ा सा सहयोग। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, अगर आपकी शादी हो चुकी है, बीवी के साथ आपकी अनबन बनी रहती है, तो आज का दिन आपके लिए परफेक्ट है। उन्हें बाहर लेके जाइए, आपके रिश्तों में बेहद सुधार आएगा। जो लोग इंटरव्यू दे रहे हैं, जो लोग नौकरी के लिए भटक रहे हैं, तो आज आपके इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं आप, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कैरी करके चलिए घर से। काफ़ी ज़्यादा नए लोगों से मिलना होगा इस महीने में आपको, तो वहाँ पर सतर्क रहे। कौन अपना है, कौन पराया है, कौन किस तरीके से आपका इस्तेमाल कर सकता है, ये आपको भी नहीं पता है, तो थोड़ा सा सतर्क रहें। लोगों के बारे में जानकारी लेते रहें, जो भी आपसे मिलने आता है उसका इतिहास जानने का थोड़ा कोशिश करें, कौन है, कहाँ से है, क्योंकि यहाँ आपका सबसे ज़्यादा नुकसान दिखाया जा रहा है। किसी काम के लिए बाहर जा रहे हैं, यानी कि ऑफिस वर्क है, कोई दूर का काम है, तो मैं आपको बता दूं, बिना शिवजी के सामने हाथ जोड़े घर से मत निकलिए, आपका नुकसान हो सकता है। महाकाल के सामने हाथ जोड़िए, उसके बाद अपने घर से निकलिए, आपके जो मुसीबतें हैं वो बहुत हद तक हट जाएंगी। तो ये कुछ सावधानियां हैं जो आपको बरतनी है इस बार। अब बात करते हैं दूसरी राशि की, जिसमें इससे भी ज़्यादा फेरबदल हुए हैं, यानी कि कन्या राशि। तो देखिए, कन्या राशि के जातकों के बारे में आपको बता दूं, प्रेम संबंध बहुत मजबूत होने वाले हैं। शादीशुदा हो या फिर शादी नहीं हुई किसी के साथ, प्रेम प्रसंग में हो, तो वहाँ आपका रिश्ता बड़ा मजबूत होने वाला है। और थोड़ी हिम्मत है तो आज घर वालों से बात कर सकते हो। ये पूरा महीना आपके लिए बड़ा शुभ है, आपका रिश्ता पक्का हो सकता है इस महीने में। जब भी आप बात करेंगे, थोड़ा सा सतर्क होकर बात करें, आपका काम बन जाएगा। दूसरी चीज़, पैसे की इस महीने आपके पास कोई किल्लत नहीं आने वाली, आपकी आर्थिक स्थितियाँ बड़ी मजबूत दिखाई जा रही हैं। जो खराब चीज़ दिखाई जा रही है, जो सबसे बड़ा बदलाव आया है, वो है आपके स्वास्थ्य में। चोट लगने की आशंका बहुत ज़्यादा है, तो देखिए आप सतर्क रहें, उछल कूद थोड़ी कम करें, जो यातायात है उनका थोड़ा टालें, जब तक ज़रूरी ना हो बाहर ना जाएं। और मैं आपको एक टोटका बता रहा हूँ, अगर आप ये कर लेते हैं तो बहुत हद तक आप अपने आप को बचा सकते हैं। घर से बाहर जब भी निकल रहे हैं या घर पर कोई काम कर रहे हैं, पैर पे काला टीका लगाकर ही वो काम करें, आप अपने आप को बचा लेंगे और तंदुरुस्ती के साथ ये महीना आपका निकल जाएगा। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं, दुश्मनों से थोड़ा बचकर रहें इस महीने। पैसे आपके आएंगे रुके हुए जहाँ भी हैं, लेकिन दुश्मन भी आपके आएंगे, आपको पता नहीं चलेगा उससे कब झगड़ा हुआ था, लेकिन वो इस महीने आपसे बदला ले सकता है। तो यही कहूँगा, जितना हो सके इस महीने आपको सतर्क रहना पड़ेगा। बाकी आपके लिए कुछ उपाय भी मैं डालता रहूँगा वीडियोस में, आप वीडियोस देखते रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, कोई वीडियो आपसे मिस ना हो, क्योंकि इससे आपका नुकसान हो सकता है। ये दो राशियाँ थोड़ा सतर्क रहें। बहुत जल्दी मिलता हूँ दूसरे राशियों के साथ कि इस महीने कैसे होने वाला है उनका जीवन। तब तक आप सभी को अलविदा, मिलता हूँ कल। जय श्री राम।